विकास हुआ है। पर्सनली मेरा तो नहीं है, ना मेरे पास कार्ड है, ना लेटरिन का है, ना घर वाला है, कुछ भी नहीं मिला है, मगर हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का विकास हो, देश सुरक्षित रहे, बस हमें ना मिले पाँच पैसे। हमें बहुत अच्छा काम किए हैं ना, इसलिए आप इसलिए मतदान करो। विकास कार्य हुए हैं, इसीलिए फॉर्म भराया कि हम 150-350 रुपये देंगे लाली लक्ष्मी को, हैं? लेकिन उसने नहीं किया, सब झूठी खोखला है, गड्ढे पे गड्ढा है, गड्ढे पे गड्ढा एकदम। यहाँ से रीवा 4 घंटे में जाते थे, आज चल जाइए आधा घंटे में आप पहुँच जाएंगे रीवा। विकास द्वार की स्थिति बनी हुई है, तो भारत में एक मजबूत नेतृत्व तो होना चाहिए और वो मोदी ही दे सकते हैं। तो मोदी जी की बड़ी आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है और सारी दुनिया को आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में मोदी जी विजय होंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक कुशल नेतृत्व, स्ट्रांग लीडरशिप जो है डेवलप होगी भारत की। जिस तरीके एक बीजेपी का इंजन जो है जो केंद्र में होगा, एक यहाँ होगा, तो डबल इंजन की सरकार चलेगी, तेजी से विकास होगा क्षेत्र का। और विकास में जो भी फंड्स की ज़रूरत होती है उसमें किसी में कमी नहीं पड़ेगी। तो यही लोगों से आग्रह किया है कि दिव्य राज्य को प्रचंड बहुमत से जिताइए, बहुत काम उन्होंने यहाँ विकास के किए हैं। अच्छी नीयत और अच्छी नीति की वजह से फिर हम करेंगे बम्पर जीत हासिल दिव्य राशि। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिलमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां भाजपा प्रत्याशी दिव्यराज सिंह ने कहा कि अच्छी नीयत और अच्छी नीति की वजह से फिर से हम करेंगे बम्पर जीत हासिल। कि रेल पहाड़ पर कैसे चढ़ेगी? कोई अगर बस से उतरता था तो मजाक करते हुए उतरता था कि मैं सतपाल महाराज की रेल से उतर रहा हूं। किसी को विश्वास नहीं था कि पहाड़ पर रेल चढ़ेगी। वो प्रस्ताव पारित हुआ, बजट में आया और जब मोदी जी की सरकार आई तो उस पर काम शुरू हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2028 में हमारे ऋषिकेश से बद्रीनाथ को रेल बन के तैयार हो जाएगी। और मैं आपको निमंत्रण लेता हूं कि आप उस रेल में बैठ करके बद्रीनाथ के दर्शन करने जाएंगे। महाराज जी की जय। ये एक ऐसा काम हुआ जिसको लोग विश्वास नहीं करते थे, परंतु मैं रेल मंत्री था, मैंने तिब्बत में लासा में रेल जाते देखी। और अगर लासा में रेल जा सकती है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकती है? तो प्रयास किए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उस पर आशीर्वाद था, उन्होंने कहा नहीं ये रेल जानी चाहिए, पूरी फंडिंग हुई और आज सुरंगें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं और 2028 में बनकर ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि चुनावी बिगुल बजने के बाद से सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में बागुला की तरह निगाहें उड़ाए हुए हैं। जब हमारी डबल इंजन की सरकार हुई, डबल इंजन जब केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, माननीय मोदी जी की सरकार होगी, राज्य में हमारे नमाइश में एक तरफ घोड़ा था, एक तरफ टांगा था, एक तरफ बैल थे, एक तरफ गाड़ी थी, एक तरफ हल था, दूसरी तरफ बैल था। राजा ने कहा भाई जो आदमी एक चीज को छुएगा उसको एक चीज मिल जाएगी। एक किसान गया, उसने कहा मैं घोड़ा लेता हूं तो एक गाड़ी नहीं मिलती, बैल लेता हूं तो हल नहीं मिलता, ये तो अधूरा। घूमते घूमते वो राजा के पास पहुंचा, राजा ने कहा किसान भाई कुछ छुआ नहीं, किसी को स्पर्श नहीं किया। उसने कहा महाराज बैल छूता हूं तो हल नहीं मिलता, हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलते, गाड़ी छूता हूं तो घोड़ा नहीं मिलता, यह अधूरा है। तो बोला तुमने क्या छुआ? उसने कहा महाराज मैंने तो आपको छू लिया। अब जिसने राजा को छू लिया और राजा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो भैया मोदी जी को छू लोगे सब कुछ मिल जाएगा, सारे विकास के काम हो जाएंगे। विकास का बजट केंद्र से आएगा, दिल्ली से बजट आएगा और आपके मध्य प्रदेश में तेजी से विकास होगा और आपका ये सिरमौर विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश का सिरमौर होगा। तो रानी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, नशौत में तेरे जोश रहा तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार ना हो बेजार ना हो ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तब तो ये जमाना बदलेगा। तो यहां से हम संकल्प लेकर
रूप में गिरिराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताए, पहले मतदान बाद में जलपान, जलपान बाद में करना। और मैं जो हम कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, पन्ना प्रमुख हैं, ब्लॉक हमारे जो बूथ प्रमुख हैं, सबको काम करना है, दिन रात काम करना है, या हम काम करेंगे इसका फल आपको बाद में मिलेगा। जैसे हम बीज बोते हैं तो उस समय कोई इंस्टेंट फल तो लगता नहीं, जब पानी देते हैं सींचते तो धीरे धीरे फल लगता है। तो विकास के फल निश्चित रूप में दिव्यराज जी लगाएंगे। उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, और निश्चित रूप में आप यहाँ जो मैं देख रहा हूँ उसकी योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, प्लानिंग के तरीके से काम करेंगे, तो आपका क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिरमौर बन के रहेगा। तो जी सबको प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी हर संभव प्रयास में लगे हैं कि हमें जीत मिल जाए। ऐसे में मनगवा के युवा प्रत्याशी दिव्यराज सिंह ने कहा कि भाजपा 2023 में प्रचंड जीत दर्ज करने के मामले को पूरी तैयार लगे हैं। भाजपा 2023 में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए पूरी तैयार हैं। हम इस बार अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और भारी जीत के अंतर के साथ फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। ये विजय माला है भाई, मैं पहना दूं, आप हाथ खड़े करके बताओ, ये विजय माला है, आपकी अनुमति हो तो पहना दूं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मैं ओम प्रकाश रुमलिया जी से चाहूंगा कि आए हुए भाजपा के पूर्व किसानों के छात्रों महिलाओं ऐसे वर्गों के लिए चौपाल से कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई है। इन्होंने कहा कि जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के ऋण माफी के लिए कहा था, लेकिन वह हवा हवाई ही रही थी। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। वो प्रस्ताव पारित हुआ, बजट में आया, और जब मोदी जी की सरकार आई तो उस पर काम शुरू हो गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2028 में हमारे ऋषिकेश से बद्रीनाथ को रेल बन के तैयार हो जाएगी, और मैं आपको निमंत्रण लेता हूं कि आप उस रेल में बैठ करके बद्रीनाथ के दर्शन करने जाएंगे। महाराज जी की जय। ये एक ऐसा काम हुआ जिसको लोग विश्वास नहीं करते थे, परंतु मैं रेल मंत्री था, मैंने तिब्बत में लासा में रेल जाते देखी, और अगर लासा में रेल जा सकती है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकती है। तो प्रयास किए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उस पर आशीर्वाद था, उन्होंने कहा नहीं ये रेल जानी चाहिए, पूरी फंडिंग हुई, और आज सुरंगें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, और 2028 में बनकर ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी। आपकी यात्रा बाधित विधानसभा चुनाव का हम लोग सिरमौर विधानसभा में आए हैं, और यहाँ पर दिव्यराज जी जो लड़ रहे हैं चुनाव, और भाजपा के प्रत्याशी उनके समर्थन में आए हैं, और सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इनको प्रचंड बहुमत से ऐसा जिताइए। बहुत से विकास के काम इन्होंने किए हैं, आगे भी विकास के काम करने हैं, और मैंने सबसे आग्रह किया कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। एक बीजेपी का इंजन जो है जो केंद्र में होगा, एक यहाँ होगा, तो डबल इंजन की सरकार चलेगी, तेज़ी से विकास होगा क्षेत्र का, और विकास में जो भी फंड्स की ज़रूरत होती है उसमें किसी में कमी नहीं पड़ेगी। तो यही लोगों से आग्रह किया है कि दिव्यराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, बहुत काम उन्होंने यहाँ विकास के किए हैं और आगे भी करेंगे। क्या लगता है भाजपा इस बार अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि मैं जैसा देख रहा हूँ और लोगों की बात आई है, तो लोगों के मन बन रहा है, और लोग देख भी रहे हैं कि इस समय आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो भारत में एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, और वो मोदी जी ही दे सकते हैं। तो मोदी जी की बड़ी आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, और सारी दुनिया को आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में मोदी जी विजय होंगे, तो मैं समझता हूं कि एक कुशल नेतृत्व, स्ट्रांग लीडरशिप जो है डेवलप होगी भारत की। जिस तरीके से दिव्यराज जी के पीछे जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या लगता है ये पिछली बार का रिकॉर्ड अपना तोड़ेंगे? मैं समझता हूं कि अपना रिकॉर्ड निश्चित रूप में तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे तेजी से, यही मैं आग्रह करना चाहता हूं। जैसा कि इस बार शिवराज जी ने
एक तीर छोड़ा है अपना लाडली बहना के नाम से, क्या लगता है आपको कितनी कारगर होगी? क्योंकि बड़ी बड़ी पॉपुलर है और मैं समझता हूँ कि जो महिलाएं जो हैं उनको सशक्तिकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके प्रतिद्वंद्व के रूप में कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि बिना किसी भी शर्त के 1500 रुपये हर बहना को देंगे। वो तो घोषणा की है ना, उनकी सरकार थी, सारी घोषणाएं उन्होंने बंद कर दी थी अपनी, तो निश्चित रूप में देगी तो भाजपा ही देगी, करेगी तो भाजपा ही करेगी। धन्यवाद। एपीएस बघेल। एपीएस जी कौन से गांव से हो आप? खैरहान। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हैं। जी, आप किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार बनाओगे? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं और मैं, मेरे युवराज भी हैं, मैं उन्हीं को दूंगा, हार जीत उनकी किस्मत की बात है। बीजेपी को ही क्यों, कांग्रेस या समाजवादी या ये क्या है कि मैं जब से अपने होश हवास में आता बीजेपी को दिया, चाहे सीट किसी की आए। आप मानते हो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पर्सनली मेरा तो नहीं है ना, मेरे पास कार्ड है ना, लेटरिन का है ना, घर वाला है, कुछ भी नहीं मिला है, मगर हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का विकास हो, देश सुरक्षित रहे, बस हमें ना मिले 5 पैसे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे गरीबी रेखा का कार्ड भी नहीं है, बीजेपी में हूँ और उसी के साथ रहूँगा। मतलब एक बार फिर से आप दिव्राज? मैं एक बार नहीं, जब तक जिंदा हूँ तब तक चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आए। क्या नाम है आपका? मानवती जायसवाल, बड़े ही। इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? शिवराज भैया को। शिवराज भैया को जी। कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? शिवराज भैया हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं जी। विकास कार्य हुआ है इसलिए आप? बहुत बहुत विकास। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? शांति। शांति। शांति जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपना चुनाव प्रसार प्रसार कर रही हैं। जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? शिवराज भैया का। शिवराज भैया को ही क्यों, कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी अन्य निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? नहीं, बहुत अच्छा काम किए हैं ना, इसलिए आप इसलिए हाँ मतदान करो। हाँ, विकास कार्य हुए हैं। हाँ, इसीलिए। मेरा नाम मनमोहन सिंह भदौरिया है। इस समय विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? भाजपा। भाजपा को ही क्यों, कांग्रेस या सपा या बसपा में नहीं? मैं 50 वर्ष से भाजपा में हूँ, आज से नहीं, 50 वर्ष। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है। विकास आप किसे कहते हो? 70 वर्ष कांग्रेस रही, जिसमें उसने झूठी गड्ढे पे गड्ढा है, गड्ढे पे गड्ढा, एकदम यहाँ से रीवा 4 घंटे में जाते थे, आज चल जाइए आधा घंटे में आप पहुँच जाएंगे रीवा। विकास आप किसे मानते हो? विकास मानते हैं रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब विकास है। बब्बा, आप कृषक हैं? मैं कृषक हूँ। आपके आप लोगों के लिए भी कमलनाथ जी ने घोषणा की है? कमलनाथ झूठा है। 5 आपको जो बिजली का बिल है? नहीं नहीं नहीं, वो उसने नहीं नहीं नहीं, उसने तो फॉर्म भराया कि हम 350-350 रुपये देंगे लाडली लक्ष्मी को, हैं, लेकिन उसने नहीं किया, सब झूठी खोखलेबाजी किया। अभी तो उनकी सरकार नहीं बनी ना, उन्होंने तो घोषणा की है। अरे जब तब फॉर्म क्यों भराया, जब नहीं है तो फॉर्म क्यों भराया? बनेगी तब के लिए उन्होंने। नहीं 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 नहीं, 1500 रुपये बिना किसी शर्त के देंगे? नहीं नहीं नहीं, गलत बात। लगता है फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक ठीक। रवीना साकेत। रवीना जी, कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत नहीं, नगर परिषद है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? सिरमौर 68। इस समय विधानसभा चुनाव का समय है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप लोग? हम तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और हम जहां भी जा रहे हैं हमको जनता से समर्थन भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे सिरमौर क्षेत्र में फिर से हमारे विधायक माननीय श्री युवराज दीपराज सिंह जी फिर से हमारे सिरमौर विधानसभा का नेतृत्व भी करेंगे। ये हम सभी का सोच और समर्थन भी है, जन समर्थन सभी से मिल भी रहा है। बीजेपी के साथ आप क्यों जाना चाह रही हैं? बीजेपी के साथ में क्योंकि मुझे जनपद सदस्य बनकर जब मैं अध्यक्ष बनी उसके लिए बीजेपी ही मुझे सपोर्ट की।
और मैं बीजेपी का ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर सभी का साथ सभी का विकास करना चाहती है। उनका कहना है कि जो भी चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सर्वहारा व्यक्ति का अंत्योदय हो, इसलिए मैं हम सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बिना किसी शर्त के 1500 रुपए के लिए बोला है, किसानों के कर्ज माफी की योजना के लिए उन्होंने बोला है, गेहूं और जो अपने किसान भाइयों के लिए धान इसका समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया है, और कई सारी घोषणाएं हैं उनकी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले समथिंग एक साल के लिए कांग्रेस पार्टी आई थी तो उस समय उनने वादा किया था कि कांग्रेस का हम कर्ज माफ करेंगे, फिर उनने किया नहीं है। पर हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा, बेटी विवाह योजना के लिए भी इन्होंने बताया है कि हम 1,00,000 रुपए की सहयोग राशि देंगे, उसके लिए भी कई सारी घोषणाएं इन्होंने की हुई है, पहले की इनकी घोषणाएं जो अभी तक चल ही रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ, पहले सरकार बनी थी तो क्यों नहीं किए थे? उनका तो कहना यह है कि 15 महीने की सरकारी हमारी चली, उसमें हमने घोषणाएं अपनी पूरी नहीं कर पाई। तो 15 महीने की अभी आई, पर उसके पहले तो कांग्रेस ही थे, तो तब क्यों नहीं सोचा उनने? आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार फिर से बीजेपी की ही बनेगी? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राकेश प्रताप सिंह। राकेश जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अब पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा। कोई भी पार्टी दौर में नहीं है, जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे उतना वोट भी दूसरे दल के लोग नहीं पाएंगे। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा जनमानस का साथ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस ने भी तो बहुत सारे वादे किए हैं? उनने वादे किए हैं, हमने धरातल पे काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने धरातल में काम किया है। आप मानते हो विकास हुआ है? विकास हुआ है नहीं, विकास बोलता है, दिख रहा है, विकास बोल रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, आपकी ईमानदारी दिखे और सुनाई पड़े तो मान लीजिए कि परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी भी दिख रही है और सुनाई भी पड़ रही है। आप करते क्या हैं अभी? अब हम तो कृषक हैं। कृषक है। किसान भाइयों के लिए कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की है, जैसे कि आप अगर घर पे मवेशी रखते हैं तो उस पर भी उन्होंने 2 रुपए प्रति किलो गोबर के हिसाब से वो बताया है कि हम 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे। कई घोषणाएं हैं आपके, 5 आवर्स का जो पंप है उसका आपका बिजली का बिल नहीं लगेगा, 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी आपकी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है, इन घोषणाओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये गोबर खरीद रहे हैं उसमें 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। फ्री बिजली दे रहे थे 1993 से 2003 तक, आदमी तरस गया एक बल्ब जलाने के लिए, तो मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, पैसा दीजिए, 24 घंटे बिजली दीजिए। कोई भी कृषक ये नहीं कहता कि मुझे फ्री कोई आइटम दीजिए और फ्री के नाम पे मुझे उसकी सुविधा ना मिले, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कृषक, कोई भी भारतीय मतदाता फ्री कुछ नहीं चाहता। तो अपनी भाजपा सरकार ने अभी इस बार लाडली बहना योजना के नाम से एक तीर छोड़ा है जो कि संजीवनी का काम कर रहा है, उसके प्रतिद्वंद के रूप में कमलनाथ जी ने बिना किसी भी शर्त के 1500 रुपए देने की घोषणा की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, जो भी इसके पहले 15 महीने के पहले जो बीजेपी की सरकार थी उनने जितनी योजनाएं चलाई थी, यहां तक कि अंत्येष्टि में जो 5,000 रुपए देते थे वो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, तो 1500 रुपए वो देंगे कि नहीं देंगे ये हमको तो नहीं लगता। पहली बात तो उनकी सरकार ही नहीं आना है, कोरी कल्पना है, कोरी घोषणा है, इसमें कोई भी आम जनमानस फंसने वाला नहीं है, न कांग्रेस को वोटिंग करेगा। अच्छा, जैसा कि आप अभी कृषक हैं, ठीक है, जो गेहूं और धान का आपका समर्थन मूल्य है वो शायद अभी 2,000 रुपए धान का जो कुछ भी है, कमलनाथ जी ने कहा कि हम इसको बढ़ाकर 2600 रुपए करेंगे, और जो गेहूं का है धान गेहूं का है आपको 26 और धान का 2500 रुपए कुछ इन्होंने बताया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप कृषक हैं इसलिए हमने आपसे सवाल? नहीं, ये सब कोरी घोषणा है, जितना देखिए मूल्य निर्धारण राज्य सरकार नहीं करती, केंद्र सरकार करती है। इनके पास राज्य सरकार में 15 महीने में ये था कि कोई भी मंत्री कोई भी विधायक उनके सामने यदि विकास का काम लेके जाता तो उसको भगा देते थे कि बजट नहीं है, तो इनके किसी भी कोरी घोषणा में कोई भी कृषक कोई भी मतदाता कोई भी जात भर का नहीं फंसने वाला है। कहने का तात्पर्य सब हवा हवाई है? बिल्कुल हवा हवाई। आप मानते हो कि बीजेपी का सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी, जो भी सरकार थी जो भी मुखिया थे उनने योजनाओं के झोपड़ी तक पहुँचाया है, गरीब की झोपड़ी तक
माननीय शिवराज सिंह ने योजनाओं को पहुंचाया है। आपका यहाँ डभौरा में कार्यक्रम था, इस बार ऐसा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य रह गया है कि जिसको आप अपना मुद्दा बनाओगे, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, सिरमौर में हमने पिछले 10 सालों में दोनों पंचवर्षीय में अनेकों कार्य हमने करवाए हैं। हमारा सिरमौर क्षेत्र जो कि एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, सड़कों का अभाव था, नहरों का अभाव था, उन सबको हमने ख़त्म करके आज नहरों का जाल बनाया है। अनेकों गांव जो हमारे छूटे थे वहां पर हमने रोड पहुंचाया है। अनेकों गांव जहां पर लाइट नहीं थी वहां पर हमने विद्युत पहुंचाया है, और नहरों का जाल भी हमने बिछवाया है। अब हमारा अगला जो टारगेट है ये है कि हम अपने सिरमौर के जो बचे हुए गाँव जहाँ पर सिंचाई योजना नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर सिंचाई योजना पहुँचाना, जवा को एक नगर पंचायत बनाना, डभौरा में एक नवीन कॉलेज की स्थापना कराना, सिविल अस्पताल एक यहाँ डभौरा के लिए आवश्यकता है। तो ऐसे कई काम जो अभी छूटे हुए हैं उनको हम अगली पंचवर्षीय में जनता के लिए करेंगे। जिस हिसाब से जनसैलाब उमड़ा है, लगता है कि क्या लग रहा है आपको कि आप अपना पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या फिर क्या? देखिए, निश्चित रूप से जनता का प्रेम और स्नेह दोनों चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर विधानसभा से में बढ़ते क्रम में हमारे वोट यहाँ पर प्रतिशत बढ़ा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमने अगर पिछली बार 40% वोट पाया था तो इस बार हम लोग 50 के ऊपर जाएंगे। प्रचार प्रसार में केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं आपके, तो आपको क्या लगता है जनता के ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से हमारी मोदी जी एवं उनकी पूरी टीम पूरे देश में ऐतिहासिक काम कर रही है, उनका प्रभाव पूरे देश में है। निश्चित रूप से केंद्र से अगर कोई टीम आएगी तो उसका हमको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। देखिए, लाडली बहना योजना हमारे 50% जो हमारी जनसंख्या है उसको डायरेक्टली प्रभावित कर रही है, और लगभग 70,000 महिलाएं इसमें हमारी लाभान्वित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सिरमौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारी लाडली बहनाओं की है वो हमारे साथ खड़ी है। इतना जनसैलाब उमड़ा है, क्या यही कारण माना जाए कि लाडली बहना? देखिए, दोनों लाडली बहना, और क्योंकि देखिए जैसे मैं कहता हूँ हर जगह कि अगर हमारे घर की माता खुश है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार खुश रहता है। तो जिस प्रकार से शिवराज जी ने घर की माता को खुश करने का काम किया है, जब घर की बहू खुश होती है, माता खुश होती है, तो परिवार सुख शांति में रहता है। और निश्चित रूप से पूरा हमारा सिरमौर का परिवार आज शिवराज जी का और मोदी जी का गुणगान रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा फनत कुशवाहा नाम है। कुशवाहा जी, ये कौन सा गाँव है? ये मेरा गाँव पड़ रही है। जी, इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार बनाओगे आप? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारे प्रिय हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे OBC पिछड़ा और दलित के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिससे हमारे OBC पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत इसमें अपना सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे OBC के लिए बहुत सारी योजना, जो कल पहले बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी दूसरी सरकार में, इसलिए हमारे OBC पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत ही सरकार को लायक करते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजना ने हमारे गरीबों के लिए आज मुफ्त राशन, हमारे लाडली बहनाओं के लिए 1250 रुपया का, एवं सभी योजना जो गरीब और दलित तबके के लिए काम करती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप मानते हो कि विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है। आज आप किसे कहते हो विकास? ये कहते हैं कि हमारे रोड, लाइट, पानी की सारी सुविधा, क्योंकि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर घर, गांव गांव पानी पहुंचाने का भी काम हो रहा है, रोड का भी बहुत सारे काम हुए हैं, और लाइट भी हमारे अब क्षेत्र में बराबर रहती है, और हॉस्पिटल भी है, और जो भी हमारे नहर से आज गांव-गांव में हमारे सिंचाई होती है, राशन भी की मतलब बहुत अच्छी उत्पादन भी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? बेला कोल। बेला जी, किस गांव से हो आप? बिलवा से। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी, किसको मतदान करोगे आप, किसकी सरकार बनाओगे? मामा को। मामा को क्यों? कांग्रेस को क्यों नहीं, सपा या बसपा को क्यों नहीं? मामा ने अच्छा काम करते हैं। मामा अच्छा काम किया, मतलब लाडली बहना योजना वगैरह का आपको लाभ मिला है? मिला है। आप मानते हो विकास हुआ है? हुआ। जी, क्या नाम है आपका? सीमा श्रीवास्तव।
सीमा जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, जी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? मुझे तो पूरा विश्वास है कि कमल ही आना चाहिए, भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए किया है काम, और प्रगति भी बहुत हुई। मैं देख रही कि मतलब ये रोड विकास हो गया, मतलब बहुत ही विकास मतलब दिख रहा है आज। सपा ही क्यों, कांग्रेस सपा या बसपा? क्योंकि उस समय इतना हमने तो कभी नहीं देखा कि विकास, कांग्रेस के राज में तो हमने कभी विकास नहीं देखा। विकास आप मानते हैं? विकास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास किसे मानते हो? अब विकास यही है कि मतलब नारियों के लिए मतलब बहुत सोचा जा रहा है, नारियों के लिए भी मतलब लाडली बहन योजना है, और भी बहुत सारी मतलब योजनाएं मतलब बनी है, इसलिए आप लोग भाजपा को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। क्या नाम है आपका? मीना गुप्ता। मीना जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर है जी, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? भाजपा की। भाजपा को ही क्यों, कांग्रेस सपा या बसपा या फिर किसी निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? हाँ, वहाँ उसमें बहुत योजनाएं आ रही हैं सभी चीज की, भाजपा की, तो इसीलिए हम भाजपा को सरकार बनाने चाहते हैं। कमलनाथ ने भी तो बोला है कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो मैं महिलाओं को 1500 रुपया दूंगा, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने भी। अरे वो सभी लोग ऐसे बोलने वाले रहते हैं, मगर सभी लोग ये चाहते हैं भाजपा को हम सरकार बनाइए। मतलब आप बीजेपी को ही अपना समर्थन दो? जी। ओम प्रकाश सुरमलिया, मंडल अध्यक्ष बोरा। ओम प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव का दौर है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है भाजपा इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी या फिर क्या कैसा? नहीं, पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। विकास का ऐसा क्या मुद्दा रहेगा कि जो पिछली सरकार में नहीं हुआ था इस बार ऐसा होगा? लगभग लगभग हमारे तराई क्षेत्र में जो विकास से कहीं ना कहीं बहुत दूर तक 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन हम लोग विधायक नहीं बना पाते थे, और हम लोग सब लोगों ने 2014 में अपना विधायक बनाया, तो इस तराई क्षेत्र में हर जो विकास के काम होना चाहिए, हमारे सीएम राइज विद्यालय बने, कॉलेज बने, और एसडीएम कोर्ट जो हमें त्योंथर जाना पड़ता था वो अब हमको जबा में ही उपलब्ध है, तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। और अभी जो बची कुची मांग है एक हमारा, हम सब लोगों को यहाँ पर डभौरा में आज माननीय जी ने कहा है कि इस बार आपके डभौरा में कॉलेज का भव्य निर्माण होगा। मेरा नाम है राम बकाश यादव। राम बकाश जी, कौन सा ग्राम पंचायत है ये? हमारा ग्राम पंचायत राजगढ़ है। इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी जी जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? हम तो बीजेपी में मतदान करेंगे। बीजेपी को ही क्यों, कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी इनका निर्दलीय पार्टी को क्यों नहीं? क्रियाकलाप बहुत अच्छा है, बहुत सारे काम किए हैं जनहित में, इसलिए मैं भाजपा को सरकार बनाना चाहता हूँ। माननीय दिव्यराज सिंह की विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। विकास आप किसे मानते हो? विकास ये है कि तमाम रोड, लाइट, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए मैं इसी को विकास कहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, बहनों के लिए 1500 रुपए की राशि देंगे, और भी कई घोषणाएं हुई हैं, तो उसके बारे में आप तो क्या कहेंगे? भाई उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारी सरकार ने 3000 रुपए देने को बोला है, वो 1500 बोले हैं, भाजपा ने 3000 तक बोला कि मैं 3000 दूंगा। इस कारण से भाई जो विकास करेगा, जो जनहित में काम करेगा, उसी को चुनेगी सरकार, उसी की सरकार बनाएगी। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता देवी त्रिपाठी। गीता जी, इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है जी, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? हम तो भाई कमल को देने वाले हैं, कमल वाली हैं, हमारा कमल हमारे लिए भगवान है, हमको कोरोना में डबल गल्ला दिया, रोड लाइट देता, बच्चा हो तो उनमें पैसा मिलता, मरे में मिले, जिंदा में मिले, लाडली योजना दे रहा, सब हमको मिल रहा, कमल हमको सब दे रहा, तो मैं अपने कमल को दूंगी। कांग्रेस ने भी तो वादा किया है कि मेरी सरकार आएगी तो कुछ नहीं किए, उन कांग्रेस के जमाने में लूटपाट, मार, दंगा पसार यही होता था, हिंदू को सफाया करा दिए, ऑपरेशन करा करा मियान को खूब बढ़ा दिए, जिसके एक बच्चा था वो भी नाश हो गया, उसका दिया जलाने वाला कोई नहीं है, हम क्यों दें कांग्रेस को? हम देंगे अपने बीजेपी वाले हैं, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी में मरेंगे, मरते दम तक, हमारा कमल निशान है, कमल रहेगा। फिर से आप दिव्राज जी के ही सर पे ताज रखोगे? हाँ, हम दिव्राज भैया के सर में ताज, डबल ताज रखेंगे, शिवराज सिंह को भी, दिव्राज सिंह को भी।
मेरा प्रदीप पांडे नाम है। प्रदीप जी, इस समय विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है जी, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? ये हमारा क्षेत्र जो है सिरमौर का कृषि पर आधारित क्षेत्र है और यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि किसानों को मिली, ये किसानों के लिए जीवनदायिनी योजना थी और ये जंगल से सटे हुए क्षेत्र, फसल की बहुत नुकसानी हो रही थी, तो इस वजह से किसान यहाँ का काफ़ी गरीब होता जा रहा था, उसको किसान सम्मान निधि से फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये बांस की खेती करने वाली, सब्जी बनाने वाली, दूध बनाने वाली जो जातियाँ हैं, ये रोड बनी और शहर से जोड़ा गया, तो ये उचित मूल्य पर, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर शहर से जुड़े और ये अपना अच्छा लाभ कमाने लगे और ये विकास हुआ यहाँ का, रोड और नल का भी हुआ, पानी जगह जगह पाइपें बिछाई जा रही हैं, पानी भी मिल रहा है लोगों को। हमारे पुरखे कहा करते थे, पुरखों की यह सीख पुरानी, प्यासे को देना है पानी, कुएं पोखरे पूज्य हमारे, मर्म हमारा पानी है, धर्म हमारा पानी है। ये विकास कई हुए हैं जी। अच्छा, कमलनाथ जी ने इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत जी उन्होंने घोषणा की है जी कि जो कृषक भाई हमारे हैं जी, कृषक भाइयों के ऊपर जो झूठे चोरी के आरोप लगे हैं बिजली चुराने के जी, उनको वापस करेंगे। मेरा खेत मेरा ट्रांसफार्मर के जरिए हम एक योजना लाएंगे जहां पे किसान भाइयों के लिए जो बिजली है ना वो 100 यूनिट तक फ्री रहेगी, 200 यूनिट में आपको हम हाफ पेमेंट करवाएंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो कमलनाथ जी की घोषणाएं लोग चर्चा गांव में करते हैं कि जो घोषणाएं हुई थी वो कुछ कर नहीं पाए थे, इस वजह से उनका विश्वास कांग्रेस के ऊपर और कमलनाथ जी के ऊपर कम है। और यहाँ पर जो योजनाएं चली बीजेपी के शासन में, तो वो क्रियान्वयन चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं, बढ़ रही हैं, अग्रणी हैं, तो इस वजह से बीजेपी पर विश्वास उनका ज़्यादा है लोगों का। आपको लगता है विकास हुआ है? जी जी जी। विकास किसे मानते हो आप? विकास शहर से रोड जोड़ा जाए, बिजली मिले गाँव के लिए और पानी मिले, ये इस क्षेत्र के लिए, गांव के लिए विकास की सबसे बहुत महत्वपूर्ण यही तीन बातें हैं। ये मानते हो कि आप पार्टी में आप थे जी, क्योंकि बीजेपी ने तो आपने ज्वाइन किया जी, बीजेपी में क्या अच्छाई थी, पूर्व में अच्छाई नहीं थी? मैं जनता दल यूनाइटेड से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा करता था और हमारे नेता शरद यादव जी थे, वो NDA के संयोजक हमेशा रहा करते थे, तो वो NDA में रहते थे और इस समय यूनाइटेड NDA छोड़कर इंडिया में चली गई है, तो और वो शरद जी भी हमारे नेताजी नहीं रहे, इस वजह से बीजेपी के विचार अच्छे हैं और वो ऐसी चर्चा किया करते थे हम लोगों के साथ कि जब भी कभी मैं ना रहूं, बीमार हूं, तो तुम लोगों को बीजेपी में ही जाना चाहिए, उचित पार्टी है, आगे बढ़ोगे, अग्रसर रहोगे और किसी और पार्टी में जाओगे तो तुम लोगों को कुचल दिया जाएगा। यार प्रदीप जी, इस कौन से काम से हो आप? यही है हमारा ग्राम पंचायत, कौन सा नगर पंचायत सिरमौर है। इस समय विधानसभा चुनाव का समय है जी, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही जी जी जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? हम तो देखिए बीजेपी करेंगे, इसलिए करेंगे कि हमारे माता पिता जी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी माता जी 1200-1400 रुपए पाती थी, पिताजी हमारे 1000-1200, आज मतलब एक उससे मतलब पेमेंट मिली कि हम लोगों को लग रहा कि हाँ ठीक है। एक बात मुझे बताइएगा जी, जी भाजपा सरकार में जो पेंशन योजना है जी, वो बंद कर दी गई है जी, कमलनाथ जी ने अपनी घोषणा में कहा है कि पेंशन योजना फिर से लागू करेंगे। नहीं तो पेंशन योजना कहाँ बंद हो गई है, वो तो ये 2000 के बाद वालों की ना, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको फिर से बोला कि हम उसको फिर से चालू करेंगे, फिर आप कांग्रेस पार्टी देखिए मोदी जी है तो वो करेंगे, उसकी बात नहीं है, मोदी जी है तो चालू करेंगे, बस हो गया। ये मोदी जी की घोषणा नहीं, देखिए मोदी जी ऐसा है, देखिए कमलनाथ जी है जो ना ठीक, हमारे यहाँ पे राम मंदिर का चल रहा था, मोदी जी हमारे यहाँ आए, आज हमारे राम मंदिर बन रहा है, कश्मीर में 370 हुआ उसको कराया गया, क्या नहीं किया गया बताइए भाजपा सरकार में? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार है, वो इस बार भी बनेगी और कांग्रेस का कोई नहीं आने वाले हैं। यानी एक बार फिर से आप दिवराज सिंह? हाँ दिवराज सिंह जिंदाबाद, दिवराज सिंह है जी जी जी, फिर से विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, आज यहाँ पे एक कार्यक्रम काफी जन सैलाब उमड़ रहा था, क्या लग रहा है इस बार दिव्राज जी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे चुनाव में, क्या कैसा लोगों का रुझान है? मुझे लगता है कि ये आराम से तोड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपने रिकॉर्ड को फिर से तोड़ेगी, और जो उस बार हो गया था कि थोड़े से कुछ वोट MLAs के घट गए थे, इस बार वो भी नहीं होगा, ये भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। रही बात जहाँ तक दिव्राज की, तो जितने आसानी से वो लोगों से मिलते हैं, जितनी सोच वो रखते हैं, मैं 3 बार उसी विधानसभा में रहा हूं जहां दिव्यराज के अलावा कोई विधायक थे, और मैंने उनका वर्ताव देखा है, उनका इनकी सोच देखी है, वो केवल और केवल दस्यु समस्या तक सीमित रहते थे,
या जातिगत आधार पे। अब ये समय आ गया है, मोदी जी ने जो एक परिपाटी रखी है, तो पहले एक राष्ट्रपति बने वो भी पिछड़ा वर्ग से थे, उसके बाद जो अभी बनी वो हमारी आदिवासी हैं, तो एक जो प्रथा चली है, एक जो परिपाटी चली है, वो तो साफ जाहिर करती है कि हम जो अंत्योदय का एक कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो हम कर रहे हैं कि जब अंतिम व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये एक विचार है वो साकारित होगा और वही सुगम होगा। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास कार्य अधूरा रह गया है जिसको इस बार चुनावी मुद्दा में लेके उतरेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं एक भाग में नहीं दो भाग में कहूँगा। पहला भाग तो ये है कि जिस समय देवराज के हाथ में बात आई उस समय कम से कम 50% जीरो से नीचे था, अब उसको पिघलाकर उस बर्फ़ को, ठंडी बर्फ़ को, जो विकास की बर्फ़ जम गई थी उसको पिघलाकर पानी बना है और इसको अब आगे ले जाना है। जैसे उन्होंने दो दो विद्यालय स्थापित की, आपका सीएम राइज यहाँ डभौरा में बन रहा है, आपका कोर्ट आपके सिरमौर में बन गया, एसडीएम का कोर्ट आपके सिरमौर में आया है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जवाब में आया है। हर जगह पर ये एक जो विकास का कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं और उसका स्पंदन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। रानी कुशवाहा। रानी जी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? सिरमौर 68 विधानसभा क्षेत्र, 68 सिरमौर। इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है आप किसको मतदान करोगे, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। भाजपा की ही क्यों, कांग्रेस की क्यों नहीं, सपा या बसपा की क्यों नहीं? भाजपा हमें नारी सम्मान योजना, वो लाडली बहना योजना में सभी महिलाओं को जो ये पैसे दे रही हैं उनकी उनके खर्चे के लिए, तो उनसे हर महिला मतलब स्वरोजगार हो रही है, मतलब अपने पैर पे खड़ी हो रही है, किसी को उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मुझे पैसे के लिए दूसरे से लेना है, उनके पास सरकार खुद पैसे दे रही है, जो भी उनका खर्चा है वो खुद मेंटेन कर लेगी। ऐसे भी बहुत से लाभ हैं, हॉस्पिटल उन्हें मिला, मतलब जो हमारे सिरमौर की हॉस्पिटल है पर्याप्त डॉक्टर सिस्टर है, इससे हर महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं। कांग्रेस के जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने भी तो वादा किया है, अभी उन्होंने वादा किया है, मिला थोड़ी ना, अभी तो वादा है, अब क्या पता था? बोला है कि हम 2 लाख रुपए उनके पढ़ाई के लिए देंगे, 2 लाख रुपए, बहुत सारे उनके ऐसे वादे हैं। नहीं, अभी तो वादा है, ठीक है ना, जब वो हो जाए पूरे तब ना कहेंगे, अभी इन्होंने जो किया था तो इनका तो पूरा हो चुका है, वो सामने दिख रहा है ना, प्रेजेंट में महिलाओं को दिख रहा है, तो इसलिए आवास योजनाएं सभी महिलाओं को मिलने लगा और ये महिलाओं को सम्मान तो मिल ही रहा है पैसा। मतलब एक बार फिर से आप देवराज सिंह जी के ही ऊपर सरकार ताज़ा उनके ऊपर ताज़ा रखेंगे। हाँ। सरकार बीजेपी की ही बनी। हाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना